हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11th की मैथ में। जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम तथा श्रेणी, उसमें 9.2 एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर रहे थे। आज हम लोग क्या करेंगे, आगे एक्सरसाइज, उसी एक्सरसाइज को आगे की ओर बढ़ाएंगे। जरा सुन लीजिएगा, देखिएगा बच्चों। तो ठीक भैया, देखिएगा जरा। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 9.2, इसमें हम लोग एक्सरसाइज 9.2 में 11 तक के क्वेश्चन इससे पिछले लेक्चर में हम लोग कर चुके हैं, है ना। 11 तक के जो क्वेश्चन है हम लोग इससे पिछले लेक्चर में उनको उनको कर चुके हैं। और आज जो है भी आप लोगों को पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 12 से। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है जरा सबसे पहले ये बात समझ लेते हैं। देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन जो आपको दिया जा रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन जो आपको दिया जा रहा है, उसमें लिखा हुआ है करा किसी समांतर श्रेणी के, क्या लिखा हुआ करा किसी समांतर श्रेणी के m तथा n पदों के योगों का अनुपात। सॉरी, m तथा n पदों के योगों का अनुपात एम स्क्वायर अनुपात एन स्क्वायर है। ठीक, क्या कह रहा, एम स्क्वायर अनुपात एन स्क्वायर है, तो दर्शाइए कि उनके एमवे और एनवे पदों का अनुपात 2m-1 और 2n-1 है। ठीक, ये हम लोगों को जो है प्रूव करके दिखाना है। अब जरा देख लेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा भाई। दिया है एम पदों के योगफल और एन पदों के योगफलों का अनुपात, दिया है हमें एस एम बटे एस एन इज इक्वल टू एम स्क्वायर अनुपात एन स्क्वायर। ये हम लोगों को दिया जा रहा था। अब देखना हम लोग करेंगे क्या, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, एस एम का फार्मूला तो हम लोगों को पता ही है। हम लोग एस एम का फार्मूला रखते हैं, क्या होता है भाई, एम बाय टू 2a+n-1 इंटू डी अपान एन बाई टू 2a+n-1 इंटू डी इज इक्वल टू एम स्क्वायर अपान एन स्क्वायर, है ना। 2 से 2 हो गया कैंसिल, 1 m से इधर 1 m कैंसिल हो गया, 1 n से 1 इधर n कैंसिल हो गया। कितना आया भैया जरा देखेंगे, 2a+n-1 इंटू डी अपान 2a+n-1 इंटू डी इज इक्वल टू एम अपान एन। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी तिर्यक गुणा करा देंगे, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी तिर्यक गुणा करा देंगे। देखना तिर्यक गुणा कराने पर हम लोगों को क्या मिलता है, देखिए आ जाएगा 2a+m-1 इंटू डी की एन से करा दी इज इक्वल टू 2a+n-1 इंटू डी कि हम लोगों ने किससे करा दी, एम से करा दी। अब जरा देखेंगे इसके बाद भैया क्या आता है, अंदर गुणा कराएंगे, देखना कितना जाएगा, 2an+mn-n ठीक इंटू डी, एन से गुणा करा लिया हमने अंदर। फिर देखना इधर कितना आ जाता है हमारा, एम से गुणा कराएंगे तो 2am+mn-1 सॉरी m इंटू डी।
अब जरा देखना हम लोग क्या कर लेते हैं, डी वाले पास पास कर लेते हैं, इनको पास पास कर देते हैं। देखे कितना आ गया, ये हमारा 2an, इधर आ जाएगा हमारा 2am इज इक्वल टू mn माइनस m इंटू डी, फिर ये इधर आएगा माइनस में हो जाएगा mn माइनस वन n इंटू डी, डी पूरे से हमने कॉमन करके बाहर कर दिया, ये डी पूरे से कॉमन करके हम लोगों ने बाहर कर दिया। अब जरा देखिएगा भैया क्या आता है आपका, यहाँ से 2a हम लोग जैसे ही कॉमन करेंगे आ जाएगा n माइनस m इज इक्वल टू, देखना इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, अंदर जो माइनस की गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा एम एन माइनस एम माइनस का एम एन प्लस का n और इंटू डी, प्लस का एम एन माइनस का एम एन कैंसिल हो गया, यहाँ से देखना कितना आ गया n माइनस m आ गया ये भी हमारा, तो 2a n माइनस m इज इक्वल टू n माइनस m इंटू डी, n माइनस m से n माइनस वन भी कैंसिल हो गया, d इज इक्वल टू कितना आ गया 2a आ गया है, d का मान कितना निकल कर आ गया 2a आ गया है। अब हमसे पूछा क्या जा रहा था, कह रहा था mवें पद तथा nवें पद का अनुपात सिद्ध कीजिए, हमें प्रूव करना था, ठीक हमें प्रूव करना था कि tm बटे tn इज इक्वल टू 2m माइनस 1 बटे 2n माइनस 1, ठीक 2m माइनस 1 बटे 2n माइनस 1, ये हम लोगों को प्रूव करना था। अब जरा देखेंगे आकर के, देखिए अगर हम लोगों को भैया tm, जरा tm का फार्मूला देखेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए हमें tm बटे tn ये हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये आएगा, तो पहले जरा tm का फार्मूला क्या होता है जरा वो लिख लेते हैं, जरा देखना a प्लस m माइनस 1 इंटू d, और इसका भी फार्मूला क्या आ जाता है a प्लस m माइनस 1 सॉरी n माइनस 1 इंटू d, डी की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं कितनी 2a, यहाँ पर रखेंगे आकर के, तो tm बटे tn इज इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू 2a और a प्लस n माइनस 1 इंटू 2a, तो tm बटे tn इज इक्वल टू a कर लेंगे कॉमन कितना आ जाएगा a प्लस m माइनस 1, ठीक a प्लस m माइनस 1 इंटू 2 और अपान फिर से a कॉमन कर लिया a प्लस n माइनस 1 इंटू 2, ऐसे a कट गया तो कितना आया 2m tm बटे tn इज इक्वल टू 2m माइनस 2 होगा भैया, ये 2m माइनस 2 प्लस 1, तो 2m प्लस 1 हो जाएगा डायरेक्ट, सॉरी माइनस का 2 है प्लस का 1 है तो माइनस का 1 आएगा ये हमारा, तो 2m माइनस 1 यही नीचे भी आ जाएगा कितना 2n माइनस 1। देखना क्या हम लोगों को यही प्रूव करके दिखाना था, यही हम लोगों को प्रूव करके दिखाना था भैया, यही हम लोगों को प्रूव करना था, ठीक यही हम लोगों को प्रूव करके दिखाना था। जरा बताइए क्या भैया सभी लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया, गौरव पटेल जरा बताइएगा भैया क्वेश्चन आया समझ में, नहीं आया बताओ जल्दी से, आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग आगे भी अगला क्वेश्चन देखेंगे, है ना, आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसको हटा देते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जरा हटाते हैं जरा फिर देखिएगा। देखते हैं भाई आगे, इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन आपका देखे क्या लिखा हुआ था, कह रहा था यदि किसी समांतर श्रेणी के nवें पद का योगफल यानी Sn, nवें पद का योगफल 3n स्क्वायर प्लस 5n हो तो इसका और इसका mवां पद यानी tm
बराबर दिया जा रहा है 164, तो m का मान बताइए कितना होगा, है ना? कह रहा m का मान बताइए कितना होगा। देखिए एमवा पद हमको पता है और n पदों का योगफल पता है। n पदों का यदि योगफल पता है तो n इज इक्वल टू एम रखने पर अगर हम लोग क्या करेंगे देखना। देखिए एमवा पद हम लोग निकालते कैसे, यदि हम लोगों को एनवा पद निकालना था तो हम लोग क्या करते थे भैया, एनवे पद के लिए हम लोग क्या करते थे, लिखते थे भैया एस एन और एस एन माइनस वन, याद होगा हम लोग पीछे कर चुके हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर हम लोगों को देखना एमवा पद दिया गया है, एमवा पद निकालेंगे तो एमवे पद के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एस एन एस एम माइनस वन। तो पहले इससे एस एम निकाल लेते हैं, एस एम माइनस वन निकाल लेते हैं, दोनों निकाल लेते हैं इनकी जगह पर रख करके। तो पहले एस एम निकाला तो कितना आ जाएगा, 3m² + 5m, और एस एम माइनस वन निकाल लेंगे तो 3m - 1² + 5m - 1 ये आ जाएगा। अब जरा इसकी जगह पर रख लेना करके, अभी हमारा टी एम निकल कर आ जाएगा। जरा देखेंगे भैया टी एम इज इक्वल टू कितना आने वाला है हमारा, एस एम का मान हो जाएगा 3m² + 5m, ठीक, और माइनस एस एम माइनस वन कितना है 3m - 1² खोल लेंगे, m² + 1 3 से गुणा करा लेंगे 3, ठीक, माइनस का 2m लेकिन 3 से गुणा कराएंगे तो माइनस का 6m हो गया, है ना। अब जरा देखेंगे इसके बाद, और प्लस का कितना आ जाएगा 5m, माइनस का 5। अब जरा देखेंगे कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से, टी एम इज इक्वल टू 3m² + 5m, अच्छा माइनस का 3m² हो जाएगा, माइनस का m बचेगा प्लस का m हो जाएगा, माइनस का 2 बचेगा प्लस का 2 हो जाएगा, यानी 3m - 3m² - 3m कितना हो गया ये 6m + 2। ये भैया हम लोगों का क्या निकल कर आ गया, 6m + 2 निकल कर आ गया एमवा पद। और ये एमवा पद दिया कितना दिया जा रहा था, 164 दिया जा रहा था, तो टी एम इज इक्वल टू दिया जा रहा था 164, बराबर कर लीजिए दोनों को, 6m + 2 इज इक्वल टू 164, 6m इज इक्वल टू 164 माइनस का 2, 6m इज इक्वल टू 162, 6m इज इक्वल टू 162 बटे में 6 × 12 बचेगा 4 × 6 = 42, तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 27, m का मान कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। भैया हम लोगों से कह रहा था कि जो है m का मान ज्ञात कीजिए, तो हम लोग भैया हम लोगों ने ज्ञात के लिए m का मान कितना आ गया 27 आ गया है। क्या बताइए हो जाएगा भाई, सभी लोगों से जल्दी से बताइएगा जरा, एक बार लग जाएगा। ठीक, अच्छी बात है, फिर आगे देखेंगे भाई। इसके बाद देख लेंगे 40 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 40 नंबर क्वेश्चन। ये देखिएगा भैया 14 नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिए एक बार। देखिए दिया जा रहा है, कह रहा है 8 और 26 के बीच ऐसी 5 संख्याएं डालिए ताकि प्राप्त अनुक्रम समांतर श्रेणी बन जाए, है ना, प्राप्त अनुक्रम जो है समांतर श्रेणी बन जाए, किसके बीच, 8 और 26 के बीच। तो पहला पद 8 हो गया और दूसरा कितना हो गया 26, इनके बीच कितने डालने हैं भैया, 5 संख्याएं डालने हैं। तो 5 संख्या हमने मान लिया, देखना भैया A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, A5, ये संख्याएं हमने जब डाली तो हमारे ये टोटल पद किसमें हो गए, ये सभी पद किसमें हो गए आकर के जरा बताना, समांतर श्रेणी में हो गए सभी पद, किसमें हो गए भैया, समांतर श्रेणी में हो गए। अब अच्छा जरा देखिएगा यहाँ से हमें, लेकिन प्रथम पद पता चल गया कितना हो गया 8 और लास्ट वाला पद पता है कितना 26, अंतिम पद का हमें फार्मूला भी पता रहता है L इज इक्वल टू A प्लस
एन माइनस वन इंटू डी, एन भी एन क्या होता है पदों की संख्या, भी हमें पता चल गया पांच पद डालना है और 26 और 8 दिया जा रहा था, दो पहले से थे, तो एन इज इक्वल टू 2 और 5 कितने हो गए, एन इज इक्वल टू 7, एन का मान 7 हो गया। सारवांतर में पता चल जाएगा कितना होगा, जरा देखेंगे भैया, एल कितना था 26, बराबर 8 प्लस 7 माइनस 1 यानी 6 और डी, अब देखेंगे कितना जाएगा यहां से, 28 मतलब 26 से 6 चला जाएगा, बचेगा कितना 14, नहीं 18 यार, फिर कितना बचेगा आकर के 18 बचेगा, बराबर कितना जाएगा 6 डी, ये कितना आ गया डी, डी बराबर हमारा कितना जाएगा, डी बराबर आ जाएगा 3, डी का मान पता है, ए का मान पता है, अब हम लोगों को क्या निकालना था, ए वन निकालना था, ए वन जो है वो है क्या दूसरा पद है, दूसरे पद का दूसरा पद समांतर श्रेणी का ए प्लस डी होता है, तो देखना ए हो गया 8 और डी हो गया 3 यानी कितना हो गया 11, ए टू निकालेंगे तो ए प्लस 2 डी होता है, तो कितना आ जाएगा हमारा जरा देखिएगा भैया, 8 प्लस 3 दूनी 6, 8 और 6 कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक। अब देखेंगे ए थ्री, देखिए चाहे आप इसे फार्मूले से निकालिए या डायरेक्ट देखिएगा, 8 3 11 3 14, 14 3 17 आ जाएगा, 17 3 20 आ जाएगा, 20 3 23 आ जाएगा, और 23 3 26 तो था ही हमारा वो लास्ट वाला पद, यही हमें जो है इसके पद पता चल जाएंगे। बताइए क्या ये क्वेश्चन भी सभी लोगों के समझ में आ गया है, जल्दी से एक बार बताइएगा, जल्दी से एक बार बता दीजिएगा क्या ये क्वेश्चन भी सब लोगों को समझ में आ गया है। गौरव कुमार आ गया है, और बताइए भैया, रौनक पटेल नहीं कुछ बता रहे हो, आया समझ में, रौनक पटेल को भी हाँ आ गया है, ठीक अच्छी बात है भैया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन भी बता दे रहे थे, करिएगा, और इसके बाद चार क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, ये जो है क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, फिलहाल अगले क्वेश्चन के जरा हिंट दे देते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन की, उसके बाद 3 क्वेश्चन से बचेंगे, ठीक, वो भी जरा देख लीजिएगा किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करिएगा, अगर ना लगे क्वेश्चन तो बताइएगा। कह रहा था कि यदि a की पावर n प्लस b की पावर n अपान a की पावर n माइनस वन प्लस b की पावर n माइनस वन, ठीक, a और b के बीच का समांतर माध्य हो, यानी ये क्या है समांतर माध्य है इसका a और b का, अगर हम लोग a और b का समांतर माध्य निकालें बताओ, समांतर माध्य का फॉर्मूला पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो कितना आ जाएगा a प्लस b अपान 2, याद भी रखिएगा समांतर माध्य पदों का जो फल बटे जितना होता वही लिख लिया जाता है, ठीक, तो ये तो भैया हो गया माध्य निकला, और ये यही था, ये वाला यही था, यानी a की पावर n प्लस b की पावर n बटे a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1, ये हमारा इसी के बराबर था। अब देखिए ये हमें पता चल गया, तिरेक गुणा करा लीजिए, इधर गुणा करा लीजिए, हल करिएगा, और करना क्या भैया आपको, इनका मान ज्ञात करें, इनका मान ज्ञात कर लीजिए, अगर नहीं लगेगा क्वेश्चन तो फिर हम लोग इसको जो है नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग इसको बताएंगे भी, फिलहाल आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे, देखिए पीछे के सभी क्वेश्चन सभी लोग कर डालिएगा, और आपके जो दो तीन क्वेश्चन बचे हुए ये हम लोग जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे, आकर के एक्सरसाइज हम लोगों की कम्प्लीट हो जाएगी, और एक्सरसाइज के साथ साथ हम लोगों का टॉपिक भी कम्प्लीट हो जाएगा, कौन सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला टॉपिक कम्प्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग जो है स्टार्ट कर देंगे कौन सा ज्योमेट्री प्रोग्रेशन, और ज्योमेट्री प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज पढ़ने के बाद फिर जो है उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज आएगी, उस मिसलेनियस एक्सरसाइज में भैया ठीक, उस मिसलेनियस एक्सरसाइज में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो सीक्वेंस के क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े हैं, और उसके बाद जो ज्योमेट्री प्रोग्रेशन के हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ेंगे, उन सब क्वेश्चनों को एक में मिला दिया जाएगा, उनका मिक्सचर बना लिया जाएगा, ठीक, तो वो हम लोगों की एक मिसलेनियस एक्सरसाइज तैयार हो जाएगी, किसकी यानी पूरी सीरीज की, दोनों जो सीरीज है, हमने कहा था एक और सीरीज होती है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हरात्मक श्रेणी, वो हम लोगों के कोर्स में नहीं थी, इसलिए जो है उसको हम लोगों को नहीं पढ़ना है, लेकिन ये तो भैया हम लोगों को पढ़ना ही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा,
फिलहाल इतने जो क्वेश्चन है आप लोग कंप्लीट कर डालिएगा। एक चैप्टर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा हो चुका है, दूसरा चैप्टर आपका चल रहा है, इसमें भी टू एक्सरसाइज हो चुकी हैं, टू एक्सरसाइज है यानी 50% ये भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक, तो क्वेश्चन मेरा सभी लोग अच्छे तरीके से लगाते रहेगा, तैयार करते रहेगा। फिर अब हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई सभी लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करिएगा। ठीक, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।